तो दोस्तों पिछला जो वीडियो था वो था बिट लॉकर के बारे में। तो मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे अपने पेन ड्राइव को पासवर्ड है वो लगा सकते हैं विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के, वो भी बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ कि बिट लॉकर से यदि आप अपने पेन ड्राइव को पासवर्ड लगा देते हो तो उसको वापस अनलॉक कैसे करें। कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम लोगों को उसको वापस अनलॉक करना होता है कि पेन ड्राइव में बिना पासवर्ड है वो लगा के दे दे या किसी को देना हो, तब उस कंडीशन के अंदर हम लोग पासवर्ड है वो रिमूव करना चाहते हैं बिट लॉकर से। तो हम लोग बिट लॉकर से पासवर्ड है वो कैसे रिमूव करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। यदि आपने बिट लॉकर से पासवर्ड कैसे लगाते हैं वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके चेक कीजिए कि हम लोग बिट लॉकर से किसी भी पेन ड्राइव का वो पासवर्ड कैसे लगाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के वो वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और चल के देखते हैं कि हम लोग बिट लॉकर से लगे पेन ड्राइव के पासवर्ड वो कैसे हटाते हैं, रिमूव करते हैं। तो पहले लॉक लगाने वाला वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा और आई बटन पर आपको पीछे लिंक मिल ही चुका है, तो जाके चेकआउट कर लीजिए कि कैसे लगाते हैं। यदि लगा लिया है और उसको आपको रिमूव करना है तब आप इस वीडियो पे आए हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट के वे वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, देखते हैं कि कैसे हम लोग बिट लॉकर से लगे पेन ड्राइव के पासवर्ड को रिमूव करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको वो पेन ड्राइव लगाना है जिसके अंदर बिट लॉकर पासवर्ड है वो लगा हुआ है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, मैं पेन ड्राइव है वो अपने लैपटॉप में लगा रहा हूँ। जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है पेन ड्राइव के अंदर, लैपटॉप में के अंदर पेन ड्राइव जैसे ही कनेक्टेड हो जाता है तब आपको इस तरीके से एरर आता है अनलॉक के लिए। तो जैसे आप ओपन करोगे तब आपको जो पासवर्ड है वो लगाना होता है। यदि आपको पासवर्ड याद नहीं है और आप इसको अनलॉक करना चाहते हो तो भी मैं बताऊँगा। तो मैंने पासवर्ड लगा के इसको अनलॉक कर दिया। अब मुझे जो पासवर्ड है वो यहाँ से हटाने हैं कि जब भी मैं नेक्स्ट बार पेन ड्राइव लगाऊं तो किसी भी टाइप का पासवर्ड है वो नहीं मांगना चाहिए, डायरेक्ट पेन ड्राइव है वो ओपन हो जाना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद में आपको सिंपली यहाँ पे मिल जाएगा मैनेज बिट लॉकर। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है आपको, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे आपको ये यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बिट लॉकर वाला ऑप्शन है वो ऑन दिखाई दे रहा है, तब आपको सिंपली यहाँ पे क्या कर देना है, बिट लॉकर ऑफ कर देना है। जैसे आप बिट लॉकर ऑफ कर देते हो तो यहाँ से आपका जो पेन ड्राइव है वो कुछ ही देर के अंदर है वो पासवर्ड है वो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, पेन ड्राइव आपका डायरेक्ट है वो ओपन होगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से वो अपना पेन ड्राइव अनलॉक होता है, यानी पासवर्ड जो लगा हुआ है वो रिमूव होता है या नहीं होता है। तो चलिए वेट करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों डन हो चुका है और आप लोग वीडियो के स्टार्ट में यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे लॉक का चिन्ह था, अब चिन्ह है वो हट चुका है, यानी अपना पेन ड्राइव वो अनलॉक हो चुका है। मैं अब पेन ड्राइव को एक बार रिमूव करके वापस लगाता हूँ तब आप देखेंगे कि पेन ड्राइव में किसी भी प्रकार का कोई भी पासवर्ड है वो नहीं मांगने वाला। तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने पेन ड्राइव को रिमूव किया, अब मैं पेन ड्राइव को वापस अपने लैपटॉप के अंदर कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो देखिए डायरेक्ट है वो ओपन होता है विदाउट एनी पासवर्ड, यानी बिट लॉकर का जो पासवर्ड सेट किया हुआ था वो पासवर्ड है वो अब रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं टेक्निकल से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से किसी भी पेन ड्राइव में बिट लॉकर से लगा पासवर्ड है वो हटा सकते हो, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।